बेल्टवॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा कृष्ण सुपर मार्केटिंग, बूंदाबाऊ कॉम्प्लेक्स, दमोह, बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज, बजाजी लाइन, दमोह। दमोह जिले में लगातार एक के बाद एक हादसे सामने आ रहे हैं। जहां बीते एक सप्ताह में तीन तीन गोली कांड दमोह जिले में सामने आए हैं, वहीं मंगलवार की सुबह पुलिस अधीक्षक कार्यालय के ग्राउंड में ही नाले पर एक शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। यह युवक कौन है, इसकी पहचान अभी तक नहीं हो सकी है। युवक का चेहरा पूरी तरह गल चुका है। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पास में ही अवैध रूप से एक शराब भट्टी भी चलती है, जहां शराब की अवैध बिक्री होती है। हो सकता है शराब पीने के बाद यह यहां डला हो और जिसके बाद ठंड के कारण ठुठर कर यह ख़त्म हो गया हो। फिलहाल मामला जो भी हो, पुलिस के द्वारा सब का पंचनामा पोस्टमार्टम करने के लिए तैयारी की जा रही है और पुलिस के द्वारा पूरे मामले की जांच की जा रही है। वहीं इस घटना के संबंध में जिम्मेदार अधिकारियों का क्या कहना है, यह भी हम आपको सुनाते हैं। सर, दूसरा, ये आपके SP कार्यालय परिसर में एक लाश शव मिला है, वो किसका, क्या आपको पता चल पाया? ये जो अज्ञात डेड बॉडी मिली है, ये पुलिस अधीक्षक बंगला और SP ऑफिस के बीच में जो नाला है, उस नाले पर जो बनी पुलिया है, उस पुलिया के नीचे मिली है। ये अभी अज्ञात है, अभी भी सूचना मिली है। थाना कोतवाली द्वारा मर्ग अज्ञात में कायम करके जांच कार्रवाई की जा रही है। वो जल्दी इसमें शिनाख्त भी हो जाएगी और सारी स्थिति PM के बाद स्पष्ट हो जाएगी। ग्राउंड में क्या है पूरा मामला? कंट्रोल रूम के माध्यम से जानकारी सूचना प्राप्त हुई थी बाज आर एक्स को, तो उन्होंने जाके देखा है, नाली है यहाँ दाल मिल के सामने, रोड में कोई अज्ञात शव है जो विक्षिप्त हालत में है, अभी उसकी पहचान नहीं हुई है। अभी उसे पंचनामा कार्रवाई कर रहे हैं, उसके बावजूद फिर उसकी शिनाख्त करके अंतिम कार्रवाई। करीब कितने दिन पुराना होगा लगभग? ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, डिकम्पोज हो गई है बॉडी।